Excuse me. Yeah, I'll talk to you. Yes. Kalpana? Haan, main hi hu. Bolo. Wo main main wo Mayapuri magazine mein news padhi. Oho, phir Mayapuri. सुबह से कॉल्स पे कॉल्स, ऑटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स, बुकेस, एसएमएस. अरे मैंने इसलिए थोड़ी बताई थी अपनी स्टोरी. संजय कितना नाराज होगा. संजय सिंह हानिया यार. एक्चुअली पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, उस वक्त मैं जानती नहीं थी कि वो संजय सिंह हानिया है. पूरे वक्त एयरपोर्ट की लॉबी में उल्लू की तरह घूर रहा था मुझे. बाद में फ्लाइट में भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया. हाय, आप संजय सिंह हानिया. मैंने भी बोला हाय. तब मुझे मालूम पड़ा कि ये संजय सिंह हानिया है. दिल्ली से बम्बई पूरे रास्ते उसका एफएम रेडियो ऑन था. कचर 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 कचर. और मैं भी सुनती रही. फिर एकदम से बोला आई लव यू. मुझसे शादी करोगी? मैंने बोला बच्चू, शादी ब्याह की बातें हवा में थोड़ी तय की जाती है. मैंने बोला ओके. अब कोई एक टांग पे खड़ा हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं. तुम इस एड के लिए आए हो ना? मैं अरे यार, सूट पहन के सब एड के लिए आते हैं. तुम सिलेक्ट हो गए क्या? या मैं रिकमेंड करूं? लेकिन टैलेंट होना चाहिए. हाँ, टैलेंट. और एकदम वैन ह्यूसन शूटिंग की उम्मीद मत रखना. लिचत पापड़ कछुआ छाप जो भी मिले कर लेना. ये पकड़ो. अब बोलो, ये कंघी नहीं कंघा है? जवा मर्दों की पसंद, आशिक का ना कंघा. बोलो. पहले कभी किया नहीं क्या? वेरी पुअर, बहुत काम करना पड़ेगा. ठीक है, तुम अपना नंबर दे जाओ, कुछ होगा तो फोन करूंगी. हाय अंजनी. हाँ एक सेकंड, नाम क्या बताया अपना? सचिन. हाँ ओके सचिन, मैं थोड़ी बिजी हूँ, कुछ होगा तो फोन करूंगी. बाय. हाँ अंजनी बोल. अरे वो नहीं यार, एक्चुअली पहली बार हम दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले थे, फ्लाइट में भी मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गया. हाय, आप संजय सिंह हानिया. बोला हाय. दिल्ली से बॉम्बे पूरे रात